ज्ञान विज्ञान डीएलएड में आप सभी का स्वागत है। आप सभी से अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। प्रिय छात्रों, आज का हमारा टॉपिक है इकाई योजना के घटक। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार आपसे पुनः अनुरोध, अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक बने रहिए। धन्यवाद। तो आइए शुरू करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आइए आपका पुनः एक बार स्वागत है। और आज हमारा जो इकाई योजना है उसका अगला घटक है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो अगला हमारा जो बिंदु है वो है इकाई योजना के घटक, कंपोनेंट ऑफ ए यूनिट। तो इसमें हम देखेंगे कि इकाई योजना में मुख्यतः उद्देश्य, हमारी इकाई योजना होती है उसमें तो उद्देश्य होता है, अधिगम क्रियाएँ होती हैं, उद्देश्य के बाद फिर हम अधिगम क्रियाओं पर जाते हैं, तथा मूल्यांकन क्रियाएं होती हैं। यानी तीन महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उद्देश्य होगा, अधिगम क्रियाएं होंगी, यानी उद्देश्य के बाद हम अध्ययन किस प्रकार से बच्चों को कराएंगे हमारी इकाई में, तथा फिर उसके बाद हम मूल्यांकन क्रियाएं, यानी हमारी जो इकाई योजना है उसमें हम मूल्यांकन के किन किन तकनीकों को अपनाएंगे। अधिगम क्रियाएं शिक्षण उद्देश्य प्राप्ति के लिए विकसित की जाती हैं। जो अधिगम क्रियाएं हैं, अधिगम क्रियाएं अर्थात हम किस प्रकार से बच्चों को समझाते हैं, उनको किस प्रकार से लर्निंग कराएंगे ताकि वो अच्छे तरीके से समझ पाए, तो उसके लिए जो हमारी अधिगम क्रियाएं हैं वो शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विकसित की जाती हैं। यानी अच्छी से अच्छी अधिगम क्रियाओं को अच्छे से अच्छे ढंग से प्रस्तुत करने के लिए हम उनको विकसित करते हैं, तथा शिक्षक एवं छात्रों द्वारा निष्पादित की जाती हैं। यानी शिक्षक और छात्र दोनों मिलकर उन क्रियाओं को निष्पादित करते हैं और शिक्षण अधिगम की क्रिया है उसको सुचारू रूप से चलाते हैं और उसके अच्छे से अच्छे परिणाम प्राप्त करते हैं। तो इकाई योजना के जो घटक हैं वो ये हैं। सबसे पहले है विषय, यानी हम सब्जेक्ट की बात करेंगे, किस सब्जेक्ट के लिए हम इकाई योजना बना रहे हैं उस सब्जेक्ट को लेंगे। उसके बाद फिर कक्षा होगी, कक्षा कोई भी हो सकती है, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, दसवीं, प्राइमरी लेवल की भी कक्षा हो सकती है जो जेवीटी का कोर्स है उनके लिए। इसके बाद आता है इकाई के उद्देश्य अथवा अपेक्षित अधिगम उपलब्धियाँ, यानी हमारी जो इकाई होगी उसके उद्देश्य क्या है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि हमारी अपेक्षित उपलब्ध जो अधिगम उपलब्धियाँ हैं वो क्या है, यानी हम इकाई योजना बनाने के बाद क्या अपेक्षा करते हैं कि हम इसके बाद क्या हासिल करने वाले हैं, बच्चों को क्या सिखाने वाले हैं, इन बातों को हम ध्यान में रखेंगे तो हमारा जो उद्देश्य है वह जिसके तहत हमने अपनी इकाई योजना का निर्माण किया था उसको प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके बाद है प्रारंभिक क्रियाएँ। प्रारंभिक क्रियाओं से तात्पर्य हमने जो कार्य करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले हम इकाई योजना बनाने से पहले हमारा जो सिलेबस है, विषय जो है, उसके बाद कक्षा है, कक्षा के बाद हमने उद्देश्य निर्धारित किया, फिर हम प्रारंभिक क्रियाएँ करते हैं। प्रारंभिक क्रियाएँ अर्थात हम ये देखते हैं कि हमारा जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है उस संपूर्ण पाठ्यक्रम को किस प्रकार से कौन कौन से बिंदुओं को शामिल करके हम अपने इकाई योजना में डिवाइड कर सकते हैं, कौन सी इकाई हमको कितनी बड़ी करनी है, उस पर कितना समय लेना है, उसको घंटों में डिवाइड करना है, और कितने समय में हम उसको अच्छे ढंग से करा सकते हैं, किन किन बिंदुओं को उसमें रखना है उनके शीर्षक के अनुसार। अगला बिंदु है मूल्यांकन तकनीक। जैसा कि हमने यहाँ पर भी जिक्र किया था, मूल्यांकन तकनीक अर्थात मूल्यांकन में प्रयोग होने वाली जो तकनीकी है, मूल्यांकन के लिए हम किस प्रकार के प्रश्नों को बच्चे से पूछें, मूल्यांकन के लिए हम मौखिक प्रश्न पूछ सकते हैं, लिखित प्रश्न पूछ सकते हैं, लिखित प्रश्नों में प्रश्नों का प्रकार क्या होगा, अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी, 20 से 30 शब्दों वाले या व्याख्यात्मक। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके उत्तर निश्चित होते हैं, उनसे हटकर प्रश्न नहीं दिए और उत्तर नहीं दिए जा सकते, लेकिन जो बड़े प्रश्न होते हैं उनसे एक ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं कि वह एक वाला दो तरह की बातें लिखता है तो भी हम दोनों को गलत नहीं कर सकते। तो अपनी अपनी अलग पहचान है, हर प्रश्न की अपनी भूमिका है, छोटा प्रश्न है उसकी अपनी भूमिका है, बड़ा है उसकी अपनी भूमिका है। इनके बारे में आगे जो प्रश्न पत्र या जो प्रश्नों के टाइप हैं उसमें हम विस्तार से पढ़ेंगे। अब है छठा बिंदु है अधिगम क्रियाएँ, यानी हमारी जो अधिगम क्रियाएँ हैं वो क्या होंगी, अधिगम क्रियाओं में हम किस प्रकार से बच्चों को अपनी बात को रखने के लिए कौन कौन सी अधिगम क्रियाएँ शामिल करेंगे, अधिगम क्रियाओं में हम कौन कौन सी विधियों को बनाएंगे, जैसे आगमन निगमन विधि है,
किस उपविषय के लिए, किस टॉपिक के लिए उपयुक्त है। संश्लेषण विश्लेषण विधि है वह किस उपविषय के लिए उपयुक्त है, या बहुत सारी जो भी हमने विधियों का पीछे अध्ययन कर लिया है, उन सभी विधियों में से कौन सी विधि बनानी है, उसको देखने के लिए हमें कई आयामों को देखना पड़ेगा। सबसे पहले हमें बच्चों की प्रकृति देखनी पड़ेगी, बच्चे किस टाइप के हैं। उसके बाद हमारा जो विषय है उसकी प्रकृति देखनी पड़ेगी, विषय में हमारा विषय है उसकी प्रकृति देखनी पड़ेगी। फिर हम अपनी जो शिक्षण अभिगम क्रियाएँ हैं उनका चयन करेंगे, और उस चयन करने के बाद उस पर जो योजना बनाई है उसके अनुसार काम करेंगे। अब है इकाई के शीर्षक एवं इकाई का संक्षिप्त वर्ष। सबसे पहले हम इकाई का शीर्षक, जो इकाई हम बना रहे हैं, 2 बना रहे हैं, 3 बना रहे हैं, 4 बना रहे हैं, 5 बना रहे हैं, उन सभी में हम उसका एक शीर्षक लेंगे। उस शीर्षक को लेने के बाद फिर उसका संक्षिप्त परिचय देंगे, यानी इस शीर्षक के अंतर्गत, इस शीर्षक के तहत, इस इकाई के अंतर्गत हम इन इन बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। इकाई का नाम, सॉरी उसका नाम शीर्षक होगा, शीर्षक के साथ फिर उसका संक्षिप्त परिचय देंगे, ताकि उसको ब्रीफ में बताया जा सके कि हम अध्ययन जो करने जा रहे हैं वो क्या क्या है। अनुदेशनात्मक सामग्री, अनुदेशनात्मक सामग्री का मतलब ये है कि हर इकाई के लिए, हर उपविषय के लिए हम अलग अलग प्रकार की शिक्षण अभिगम सामग्री है उसका प्रयोग करने जा रहे हैं। तो उसी के आधार पर हमारी जो अनुदेशनात्मक सामग्री होगी उसको अलग अलग बिंदुओं में पहले से निर्धारित कर देंगे। अनुदेशन का मतलब ये होता है कि इंस्ट्रक्शनल, यानी पहले से निर्धारित की हुई सारी चीज़ें। अब इकाई योजना का प्रचलित प्रारूप, एक फॉर्मेट देखते हैं क्या हो सकता है, इकाई योजना का एक नमूना क्या हो सकता है, मॉडल क्या हो सकता है। तो इसमें सबसे पहले हम विषय लेंगे, यहाँ पर विषय कुछ भी लिखा जा सकता है, जो जिस विषय के बारे में बात करेंगे, गणित हो सकता है, विज्ञान, जो भी, चाहे सामाजिक विज्ञान भी हो सकती है। उसके बाद फिर यहाँ पर हम कक्षा को दर्शाएंगे कि वह कौन सी क्लास के लिए हम अपनी योजना बनाने जा रहे हैं। फिर उसके बाद इकाई का नाम होगा, जो हम यहाँ पर शीर्षक की बात कर रहे थे वह यहाँ पर हम लिखेंगे। फिर इकाई निर्माण का सिद्धांत हमारे सामने होना चाहिए कि हम इकाई निर्माण के लिए किस सिद्धांत का काम कर रहे हैं, समाज को देख रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं, सभी चीज़ों को देखते हुए हम अपने सिद्धांत बनाएंगे। फिर है इकाई का हमारा उद्देश्य, जो इकाई है उसका हमारा उद्देश्य क्या है, हम इकाई निर्मित करने जा रहे हैं, हमने उसमें किस उद्देश्य के तहत काम करना है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। अब इन बिंदुओं के बाद हम देखते हैं कि जो हमारी इकाई योजना है उसका जो प्रारूप है उसमें एक तालिका है, तालिका में क्या क्या दिया गया होगा। तो देखो ये तालिका दिखाई दे रही है, इसमें सबसे पहले हम क्रम संख्या लेंगे, और क्रम संख्या में हमारे जो बिंदु हैं उन बिंदुओं को रखेंगे। फिर उप इकाइयों का उसका विभाजन, तो उप इकाई का नाम, उस उप इकाई से संबंधित प्रमुख सिद्धांत क्या होंगे, विषय वस्तु यानी टॉपिक क्या होगा, अनुदेशन यानी इंस्ट्रक्शन क्या होंगे, अध्ययन अध्यापन प्रस्तावित क्रियाएं क्या होंगी, और फिर उसके बाद मूल्यांकन। तो हर यूनिट, जैसे पहले यूनिट के लिए ये सभी क्रियाएं, दूसरी के लिए ये सभी क्रियाएं, तीसरी के लिए, यानी हर यूनिट के लिए अलग अलग क्रियाएं होंगी। उसके आधार पर हम अपनी क्रियाओं को संपूर्ण करेंगे। तो आशा करता हूँ जो विद्यार्थियों को ये मैंने इकाई योजना के घटक के बारे में बताया था, आपने अच्छे से समझ लिया होगा। आगे अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे इसी से अगले टॉपिक पर। धन्यवाद।